नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म की 28वें दिन की कथा, अध्याय 28वें, वानर योनिधारी कदर्य ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति। श्री नारायण बोले, धर्मराज की यह बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बोला, यह कदर्य ब्राह्मण पहले चिरकाल तक लोभग्रस्त रहा, फिर चोरी की, अतः ये पहले प्रेत योनि पावे और फिर बंदर बने, तब मैं इसे नरक की अनेक पीड़ाएं दूंगा। हे दूतों, धर्मराज का यहाँ यही कर्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा पाकर भयंकर आकृति वाले यमदूत उस ब्राह्मण को मुदगरों से मारते हुए फल रहित वन में ले गए। वहां उसे प्रेत शरीर में रखा। उस निर्जन वन में जहां पानी तक नहीं था, चीरकाल तक प्रेत बनकर भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल घूमता रहा। प्रेत योनि के महादुखों को भोगकर फिर फलों की चोरी करने के कारण वह बंदर योनि में गया। हे नारद, शीतल जल और फल, पुष्प आदि अनेक वृक्षों की छाया से घिरा हुआ जम्बू खंड में सुंदर कालिंजर पर्वत पर इंद्र का बनाया हुआ एक सरोवर था, जो पवित्र श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन योग्य पापों का नाश करने वाला था। वह देव दुर्लभ सरोवर मृग तीर्थ के नाम से विख्यात था। वहां पर श्राद्ध करने से पितृ श्रेष्ठ गति पाते हैं। उस तीर्थ में दैत्यों के भय से देवता मृग के रूप में भय रहित होकर स्नान करते थे, इसलिए पंडित लोग उसे मृग तीर्थ कहते हैं। वहीं वह कदर्य ब्राह्मण शरीर पाकर फल की चोरी के पाप से बंदर हुआ था। नारद जी बोले, तीनों लोकों को पवित्र करने वाला ऐसा मृग तीर्थ इस महापापी दुष्ट बंदर को कैसे मिल गया? हे नाथ, मेरे मन में यह संशय है, कृपया इसे दूर कीजिए, क्योंकि आप जैसे महात्मा अपने शिष्य से कुछ भी छुपाव नहीं रखते। सूत जी बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, इस प्रकार नारद जी के पूछने पर तपोनिधि नारायण उनका सत्कार करते हुए अति प्रसन्न होकर बोले, श्री नारायण ने कहा, चित्रकुंडल नाम का एक धनी वैश्य था। उसकी तारका नाम की एक परम सुंदरी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर जब अंतिम दिन आया, तो चित्रकुंडल ने सहपत्नी श्रद्धा भक्ति से उद्यापन किया। विधि विधान से उद्यापन विधि संपन्न करने के लिए उसने वेद वेदांग के जानने वाले सुचरित्र ब्राह्मणों को सहपत्नी आमंत्रित किया। हे नारद जी, वहां धन के लोभ से कदर्य ब्राह्मण भी पहुंच गया। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल वैश्य ने सहपत्नी ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर अत्यंत प्रसन्न किया। उन सबको प्रसन्न कर अन्य ब्राह्मणों को भी भूयसी दक्षिणा अर्थात भरपूर उत्तम दक्षिणा दी। उसकी दी हुई उत्तम दक्षिणा से दूसरे ब्राह्मण संतुष्ट हो अपने अपने घर चले गए, किंतु अत्यंत लोभी कदर्य ब्राह्मण रोता हुआ चित्रकुंडल के आगे खड़ा हो गया और विनय पूर्वक गदगद वाणी में बोला, हे वैश्यराज चित्रकुंडल, आपने जैसा पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान से किया, वैसा आज तक कहीं भी किसी ने नहीं किया। आज आप कृतार्थ हो गए। आप सब प्रकार से भाग्यवान हो जो आपने अत्यंत भक्ति से पुरुषोत्तम व्रत किया। आपके पिता और माता धन्य हैं, जिन्होंने आप जैसे हरिभक्त पुत्र को उत्पन्न किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है, जिसके सेवन से इस लोक और परलोक का फल प्राप्त होता है। हे वैश्य, आपकी इस महान पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, निसंदेह आपने महान कार्य किया है और ब्राह्मणों को भी बड़े आनंद से भूयसी धन दान में दिया है। हे दाता, आप मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं देते? ऐसा कहने पर कदर्य ब्राह्मण को भी वैश्य ने धन दे दिया। उस धन को कदर्य ब्राह्मण ने घर ले जाकर पृथ्वी में गाड़ दिया। उस ब्राह्मण ने पहले वहां श्री पुरुषोत्तम की पूजा देखी और दूसरे धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा देखने और पुरुषोत्तम मास की स्तुति करने से धन का लोभ ही कदर्य मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले,
दर्शन और स्तुति करने से दुष्ट कदर्य ब्राह्मण को पानर की योनि में श्रेष्ठ तीर्थ का वास मिला। हे द्विजों, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत तथा पत्नी सहित दर्शन एवं स्तुति करते हैं, उनके पुण्य का कहना ही क्या है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब यह बताइए कि उस वन में जहाँ श्रेष्ठ शीतल जल था, घनी छाया वाले फल फूलों से युक्त मनोहर वृक्ष थे, उनसे शोभित उस वन में रहने का क्या कारण था? श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, तुम्हें सुनने की इच्छा है तो मैं अवश्य कहता हूँ, सुनो। इसमें कुछ कारण है जिसके सुनने से पाप नष्ट होते हैं। सब अर्थों के फल को देने वाले श्री रामचंद्र जी जब समुद्र में सेतु बनाकर रावण को मारने गए, तो रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों को मार डाला। तत्पश्चात अग्नि में शुद्ध करके जानकी जी को अंगीकार किया। तब रावण के मरने से प्रसन्न हो ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हे रामचंद्र जी, आप वर मांगो। इस प्रकार सब भक्तों को अभय देने वाले श्री राम जी बोले, हे देवताओं, जो मुझे वर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर जितने शूरवीर बानरों को राक्षसों ने मार दिया, उन सबको मेरी आज्ञा से अमृत वर्षा करके शीघ्र ही जीवित कर दो। तथास्तु। यह कहकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत वर्षा कर बानरों को जीवित कर दिया। सब बानर जीवित हो जय घोष करते हुए श्री रामचंद्र जी के सामने आने लगे, मानो बहुत देर तक सोकर उठे हों। तब सीता जी सहित रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए बानरों से बोले, हे सुग्रीव, हनुमान, अंगद और जामवंत जी, तुम सब ने बानरों के साथ अपने मित्र का सब कार्य पूरा किया है। अब तुम लोग सब बानरों को आज्ञा दे दो, ताकि ये सभी बानर यहाँ से अपनी अपनी इच्छा अनुसार यथेष्ट स्थान को चले जाएं। ये मेरे दीर्घजीवी बानर जिन जिन वनों में रहेंगे, वहाँ के वृक्ष फलों फूलों से लदे रहेंगे, वहाँ मीठे जल वाली नदी और शीतल सुंदर सरोवर भी होंगे। तुम सब मेरी आज्ञा से लौट जाओ, तुमको कोई भी कहीं नहीं रोकेगा। अतः राम जी के प्रभाव से जहाँ जहाँ बानर रहते हैं, वहाँ के वन में मीठे जल वाली नदी, सुंदर जल वाले सरोवर और पुष्प और फलों से युक्त पत्तों वाले महावृक्ष होते हैं। परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सुख दुख तो जहाँ प्राणी जाकर रहता है, वहाँ भी उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता, ऐसी ही वेद आज्ञा है। श्री नारायण बोले, यह कदर्य ब्राह्मण वानर योनि पाकर पर्वत तुल्य बढ़ गया और भूख प्यास से व्याकुल हो वन में घूमने लगा। उसके मुख में जन्म से पित्त के प्रकोप से घाव हो गया। उस घाव से खून पानी बहता रहता था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कुछ खा पी नहीं सकता था। चंचलतावश वृक्षों से श्रेष्ठ फलों को तोड़कर वह मुख के पास ले जाकर फेंक देता था। उसमें पीड़ा के कारण किसी जगह ठहरने की सामर्थ्य नहीं थी। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता और सोचता कि मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। एक समय वह वृक्ष से पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगा। अंग भंग हो जाने से ऐसा तड़पता था जैसे जल के बिना मछली। इस प्रकार भूखा प्यासा गिरता पड़ता तड़पता रहा। उसके घाव से पीड़ित होने से सब दांत भी टूटकर गिर गए। पूर्व जन्मों के पापों के कारण उसे अनेक दुख भोगने पड़े। इस प्रकार नित्य निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस मास में भी वह उसी प्रकार शीत और वायु आदि से पीड़ित रहा। एक बार कृष्ण पक्ष में घने वन में घूमता हुआ प्यासा होने पर भी कुंड के निकट पहुंचकर पानी नहीं पी सका। भूखा होने पर भी चपलता से वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते समय वह सरोवर के किनारे फिर गिर पड़ा। बहुत दिनों का निराहारी होने से दुर्बल व जर्जर शरीर होने से शिथिल हो गया था। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की आखिरी दशमी से
चार दिन तक उस बानर को कुंड के किनारे लुढ़कते हुए बीत गए। पांचवें दिन दोपहर को उस तीर्थ कुंड में तड़पते हुए गिर जाने से और जल के स्नान मात्र से उस बानर ने प्राण छोड़ दिए। कुंड में शरीर त्यागने पर पाप रहित हो जाने से उसने तत्काल सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो दिव्य शरीर धारण किया, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों का मुकुट, सुंदर मकराकृत कुंडल पहने, पवित्र पीतांबर, कटी में रत्न जड़ित मेखला, बाजूबंद, कंकड़ अंगूठी और हार से शोभित तथा नीले टेढ़े चिकने बालों से शोभित हुआ। उसी समय वहां एक वैष्णव विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, नगाड़ा, वेणु, वीणा आदि बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे। इस प्रकार दिव्य शरीरधारी वह महाभाग बानर उस दिव्य विमान को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मुझ जैसे महापापी को यह विमान का सुख कैसे? यह तो अत्यंत पुण्यवान लोगों के योग्य है। तत्पश्चात चंद्रमा के समान कांतिवान एक अप्सरा उसके ऊपर छत्र लगाकर खड़ी हो गई। दो अप्सराएं बड़े आनंद से दोनों ओर चवर डुराने लगी। कोई हाथ में पान लेकर खड़ी हो गई, कोई उसके सामने नाचने लगी, कोई गंगा जल से भरी सोने की झारी हाथ में लेकर खड़ी हो गई, कुछ हाथ में हाथ दिए उसके सामने गाने बजाने लगी। ऐसा आश्चर्य देखकर वह चित्रलिखित सा हो गया। मुझ दुष्ट बुद्धि वाले पापी के लिए यह सब क्या है? मैंने तो कुछ भी सुकृत नहीं किए जो मैं हरि भगवान के लोक को पा सकूं। श्री नारायण बोले, ऐसा सोचते सोचते वह देवलोक से आए उस दिव्य विमान को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तब हरि के पार्षद उस बंदर योनिधारी शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर वाले कदर्य ब्राह्मण के मन की बात समझकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में नमस्कार कर हाथ जोड़कर आगे खड़े हो सुंदर वचन बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 27वां अध्याय समाप्त।